गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिपार्टमेंटेशन। तो डिपार्टमेंटेशन होता क्या है? इट इज़ प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग इंडिविजुअल जॉब्स इनटू डिपार्टमेंट्स इन ऑर्डर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव स्मूथली। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम हर एक ग्रुप ऑफ पीपल को इंडिविजुअल जॉब्स देते हैं ताकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। अब व्हाट इज़ द नीड ऑफ डिपार्टमेंटेशन? स्पेशलाइजेशन। इंसान स्पेशलाइज्ड होता है, उसे पता होता है कि मेरे डिपार्टमेंट में कौन से लोग हैं एंड वो उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग ही उनको जॉब दी जाती है। नेक्स्ट इज़ एक्सपेंशन। डिपार्टमेंट अलग अलग होंगे तो एक्सपेंशन तो होगी ही ऑर्गेनाइजेशन की। अटोनमी। अटोनमी मीन्स किसी भी चीज़ में महारत हासिल करना, तो अपने अपने फील्ड में सभी स्पेशलाइज्ड होते हैं। अप्रेजल एंड कंट्रोल। तो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होंगे तो कंट्रोल भी अच्छे से हो पाएगा और अप्रेजल भी, आपकी जॉब की जो परफॉर्मेंस होगी उसको कैलकुलेट करके ही आपको जॉब अप्रेजल दिया जाएगा। नेक्स्ट इज़ अब टाइप्स और बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटेशन। बेस्ड ऑन फंक्शंस, बेस्ड ऑन प्रोडक्ट्स, बेस्ड ऑन टेरिटरी, बेस्ड ऑन कस्टमर, बेस्ड ऑन नंबर्स, बेस्ड ऑन टाइम। अब इसको आगे हम और एक्सप्लेन्ड तरीके से करते हैं। बेस्ड ऑन फंक्शन, ईच डिपार्टमेंट इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज इट कैरीज ऑन। ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज फर्दर सब डिवाइडेड टू अकोमोडेट इवन मोर स्पेशलाइज्ड फंक्शन। दिस इज द मोस्ट लॉजिकल एंड टाइम प्रूवन एंड नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ डिपार्टमेंट इन मैनी कंपनीज। तो ये स्पेशलाइजेशन तो जैसे आपको पता ही है कि कैसे होती है। ये देखो, टॉप मैनेजर है, आगे फंक्शन के बेसिस पे ऑपरेशन का डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग, R&D, सेल्स, HR भी हो सकता है, ठीक है जी। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, इसमें स्पेशलाइजेशन होती है। जो लोग होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं, अपनी फील्ड में एकदम परफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट इज़ बेस्ड ऑन प्रोडक्ट्स, इट इज़ एम्प्लॉयड इन कंपनीज वेयर देयर आर मल्टीपल प्रोडक्ट्स। ये उन कंपनीज में होता है जहाँ बहुत तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं, डाइवर्सिफिकेशन होती हैं, विच आर वेरी डिफरेंट इन मार्केटिंग और प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट। अब ये जो डिफरेंस आता है ये कहाँ पर आता है? मार्केटिंग में, प्रोडक्शन में या डिस्ट्रीब्यूशन में। These companies departmentalize the product category but have the common activities such as account, finance, treasury as centralized activity. तो ये कह रहे हैं कि इसमें जो common activities हैं वो चलती रहती हैं, जैसे accounts, finance वगैरह। बस difference कहाँ पर आता है? जब distribution होती है product की, marketing होती है और production होती है। जैसे ये देखो, FMCG में आएगा सारे फूड्स, लाइफस्टाइल, पर्सनल केयर, एजुकेशन एंड स्टेशनरी। फिर पेपर एंड पैकेजिंग में पेपर बोर्ड्स एंड स्पेशलिटी पेपर्स। एग्री बिजनेस में टोबैको, स्पाइसेस, ठीक है। ये प्रोडक्ट के बेसिस पे हुआ, जब कि मतलब जब प्रोडक्शन हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है और मार्केटिंग हो रही है। ये भी देखो, महिंद्रा के कितने तरह के प्रोडक्ट्स हैं। फार्म सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, हॉस्पिटैलिटीज, फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये सब आप एक बार देख लेना। इट इज़ अप्लाइड बाई कंपनीज हुज एक्टिविटीज आर ज्योग्राफिकली स्प्रेड एंड देयर इज़ अ नीड फॉर सिमिलर प्रोडक्ट। ये होते हैं बेस्ड ऑन टेरिटरी। It is applied by companies whose activities are geographically spread and there is need for similar product or service throughout the country. तो ये होता है कि एक ही कंपनी के बहुत सारे जगह पे ऑफिसेज हैं,
तो ये जो थोड़े बहुत चेंजेस हैं ये लोकल एरिया के अकॉर्डिंग कर लेते हैं. व्हेन लोकल कस्टम प्रैक्टिसेस प्रेफरेंस चेंज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर देन टेरिटरी बेस्ड डिपार्टमेंट्स आर सूटेबल. टेरिटरी बेस्ड डिपार्टमेंट क्लासिफाइज एज जोन्स डिवीजन एंड ब्रांचेस. मैंने बोला जैसे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं एक ही कंपनी की या डिवीजन्स होती हैं. ये देखो प्रेसिडेंट मार्केटिंग पर्सोनल परचेजिंग फाइनेंस. ये सेंट्रल रीजन हेड है. ये फिर आगे वेस्टर्न रीजन साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट रीजन ये सारी होगी टेरिटरीज. तो इसके एडवांटेजेस हैं इट प्लेसेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एट अ लोअर लेवल. लोअर लेवल के लोगों को भी मौका मिलता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का. देन इट प्लेसेस एम्फेसिस ऑन लोकल मार्केट्स एंड प्रॉब्लम. लोकल मार्केट्स और प्रॉब्लम्स पे ध्यान दिया जाता है. इम्प्रूव्स कोऑर्डिनेशन इन अ रीजन. रीजन में कोऑर्डिनेशन ठीक की जाती है. टेक्स एडवांटेज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ लोकल ऑपरेशंस. बेटर फेस टू फेस कम्युनिकेशन विद लोकल इंटरेस्ट. फर्निशेस मेजरेबल ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर जनरल मैनेजर्स. तो क्या क्या है कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो जाता है. बेसिकली ये सारा लोकल के ऊपर ही बेस्ड होता है उसके अकॉर्डिंग ही काम करता है. डिसएडवांटेज इट रिक्वायर्स मोर पर्सन विद जनरल मैनेजर एबिलिटीज. क्योंकि हर एक रीजन में अब जब ये हो गया तो ज़्यादा जनरल मैनेजर्स चाहिए. टेंड टू मेक मेंटेनेंस ऑफ इकोनॉमिकल सेंट्रल सर्विसेज डिफिकल्ट एंड मे रिक्वायर सर्विसेज सच एज पर्सोनल और परचेजिंग एट द रीजनल लेवल. तो यहाँ पे रीजनल लेवल पे हर एक रीजन के लिए आपको एम्प्लॉय चाहिए. इंक्रीजेस प्रॉब्लम ऑफ टॉप मैनेजमेंट कंट्रोल. ठीक है. नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन कस्टमर. व्हेन प्रोडक्ट्स और सर्विस ऑफर चेंज विद द टाइप ऑफ कस्टमर दिस इज काइंड ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन इज यूज. ईच टाइप ऑफ कस्टमर यूजली रिक्वायर डिफरेंट सर्विसेज सच एज डिफरेंट प्राइजिंग पैकेजिंग क्रेडिट पॉलिसी एडवर्टीजमेंट मीडिया एक्स्ट्रा अटेंशन कस्टमर सर्विस डिस्काउंट्स एक्सेट्रा. तो इसमें आप देख लो कस्टमर के अकॉर्डिंग. बैंकिंग ही है. बैंकिंग के आगे टाइप्स देखो कम्युनिटी सिटी बैंकिंग कॉरपोरेट बैंकिंग इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग रियल एस्टेट एंड मॉर्गेज लोन्स एग्रीकल्चर बैंकिंग. तो ये क्या है ये कस्टमर के बेसिस के ऊपर है उनकी रिक्वायरमेंट के उनके प्राइजेस के उनके मतलब उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग है. इट इनकरेज कंसंट्रेशन ऑन कस्टमर नीड्स. एडवांटेजेस देखिए गिव्स कस्टमर फीलिंग दैट दे हैव एन अंडरस्टैंडिंग सप्लायर डेवलप्स एक्सपर्टनेस इन कस्टमर एरिया. डिसएडवांटेज क्या है मे बी डिफिकल्ट टू कोऑर्डिनेट ऑपरेशंस बिटवीन कंपीटिंग कस्टमर डिमांड्स रिक्वायर्स मैनेजर्स एंड स्टाफ एक्सपर्ट्स इन कस्टमर्स प्रॉब्लम कस्टमर ग्रुप मे नॉट ऑलवेज बी क्लियरली डिफाइंड. ठीक है. ये आप देख लो डेल में कि लार्ज एंटरप्राइजेस में क्या है पब्लिक सेक्टर में क्या है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस में की क्या क्या नीड्स हैं कस्टमर्स की. जैसे पब्लिक सेक्टर में प्रिंटर्स भी रिक्वायर्ड हैं पर होम के लिए हम इतने प्रिंटर्स वगैरह नहीं यूज़ करते. विदाउट प्रिंटर्स भी चल जाता है. नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन नंबर्स. व्हेन एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइज सर्विस ऑफर्ड बाय कलेक्शन ऑफ पीपल देन दिस मेथड ऑफ डिपार्टमेंटेशन इज यूज्ड. ये देखो नंबरिंग की हुई है इसमें. कमांड लेवल जनरल लेफ्टिनेंट जनरल मेजर जनरल. तो रैंकिंग की हुई है. डिवीजन देखो 4 to 10 सोल्जर्स का है स्क्वाड. 3-4 स्क्वाड्स मिलके बनाती हैं प्लाटन. फिर इसके बाद कंपनी बन जाती है 100 से 200 सोल्जर की. फिर बटालियन 500 to 600 सोल्जर्स की. फिर ब्रिगेड बन जाती है 3000 to 5000 सोल्जर्स की. ये नंबर्स के ऊपर होता है.
आई होप आपको ये डिपार्टमेंटेशन जो टॉपिक है ये क्लियर हो. इफ़ देर इज़ एनी डाउट जस्ट लेट मी नो.